कैंट थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान ऋषभ भारती पुत्र परदेशी भारती निवासी हरदिया पिछौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर, दूसरा शुभम साहनी पुत्र धर्मवीर साहनी निवासी परसादार महुआ डाबर थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक मोबाइल व घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 2 सितंबर को वादनी द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 26 अगस्त को डोमिनोज पिज्जा के सामने से 3 लड़कों द्वारा पीछे से वादनी का मोबाइल छीन लिया गया है, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हम लोग अपने दोस्त गोलू निषाद के साथ मिलकर 26 अगस्त को पार्क रोड से एक महिला से उसके मोबाइल छीन लिए थे, जो शुभम साहनी के पास से बरामद हुई है। जो गाड़ी बरामद हुई है वो गाड़ी मेरी है और उसमें हम लोग मिलकर शहर में मोबाइल छिनैती की घटनाएं करते हैं। आज भी हम सब मोबाइल छिनैती के फिराक में ही घूम रहे थे कि आप सब लोग तो के द्वारा पकड़ लिया गया। गाड़ी के नंबर प्लेट पर टेप लगाए जाने के बारे में पूछने पर बताया कि घटना करने के दौरान कोई गाड़ी पहचान न ले, इसके लिए गाड़ी के नंबर को छिपा कर रखते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल विकास यादव, अजीत यादव, राकेश यादव शामिल रहे। Thank you.